भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र में शंकरपुर चौनिया के दियारा इलाके में शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब गंगा नदी में नहाने के दौरान एक महिला व एक युवती डूब गई। दोनों को डूबता देख आसपास के खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने महिला को गंगा नदी से निकाल लिया, लेकिन युवती गंगा की तेज धारा में बह गई। गंगा नदी से बाहर निकाली गई महिला की पहचान शंकरपुर चौनिया वार्ड 1 की रहने वाले अमरजीत मंडल की पत्नी परमिला देवी के रूप में हुई है। महिला को अचेत अवस्था में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी महिला को प्राथमिक उपचार के बाद होश में आने पर परिजन घर ले आए। वहीं डूबी हुई युवती तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा सच्चिदानंद नगर की रहने वाली पूजा कुमारी उम्र 18 वर्ष पिता मुनिलाल मंडल बताई गई है। घटना की सूचना पर घंटे भर के अंदर नाथनगर अंचलाधिकारी गोताखोरों व अंचलकर्मी के साथ दियारा क्षेत्र स्थित घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद अंचल प्रशासन द्वारा बुलाए गए दो गोताखोरों व स्थानीय गोताखोरों द्वारा करीब 6 घंटे तक अथक प्रयास के बावजूद युवती का कुछ अता पता नहीं चला। वहीं सूचना मिलने के बाद नाथनगर थाना के दो पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शाम के 4 बजे के करीब SDRF की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। सूरज ढलने तक SDRF के गोताखोरों द्वारा युवती की गंगा नदी में काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार युवती व महिला का खेत था, जहाँ ये लोग परवल तोड़कर गंगा में नहाने चले गए। इस संबंध में नाथनगर CO राजेश कुमार ने बताया कि गंगा में नहाने के दौरान महिला व युवती डूब गए थे। ग्रामीणों ने महिला को किसी तरह बचा लिया, लेकिन युवती गंगा में विलीन हो गई। सरकारी गोताखोरों व ग्रामीणों की मदद से करीब 6 घंटे तक युवती की नदी में काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं SDRF की टीम ने भी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। शनिवार को फिर से SDRF द्वारा गंगा नदी में युवती की तलाश की जाएगी। BT न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। ग्रामीणों के द्वारा ये सूचना मिली कि पूर्वाह्न 10 बजे के आसपास एक महिला और एक बच्ची दोनों स्नान करने के दौरान दोनों डूब गई, किंतु महिला जो थी उनको निकाल लिया गया, लेकिन ये जो बच्ची थी वो अभी इसकी खोजबीन जारी है और SDRF टीम जैसी आती है आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी लाभ की राशि होगा वो लाभ को प्राप्त होगा। गोताखोर आ गया सर, और हमारी तरफ से गोताखोर की भी व्यवस्था की गई है, गोताखोर भी द्वारा खोजा गया है, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। SDRF का आने का इंतजार है, उनके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।